Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. जिस तरीके से कोरोना वायरस के चलते पूरा देश में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं अब जो है लॉकडाउन 3.0 के लगभग अंतिम फेज में है। इस दौरान यानी कि जिस तरीके से लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 और लॉकडाउन 3 लागू हुआ, उसके बाद से मजदूर कई तरीके से अपने घर के लिए जाने के लिए सोच रहे थे और कई ऐसे तस्वीरें आई जो कि आपको झकझोर सकती है। खास करके हम बात करें जिस तरीके से ट्रेन की पटरियों पर जो सोए मज़दूर कट गए, वैसे ही कई बसें कई ट्रक्स एक्सीडेंट हो गए जिसके चलते जो मज़दूरों का निधन भी हो गया। वहीं पर बहुत सारी ऐसी तस्वीरें वायरल हुई जो कि पैदल कितने कितने हज़ार किलोमीटर तक अपने माँ अपने बेटे और कितने प्रेग्नेंट महिलाओं को लेकर काफ़ी ऐसी तस्वीरें आई थी जिसको सुनने के बाद इसको देखने के बाद आप कहीं ना कहीं अपने मन को शांत नहीं कर पाएंगे। लेकिन लॉकडाउन 3.0 के और उस दौरान जब मोदी जी ने आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, उसके बाद से एक तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है और इस वीडियोज़ को आपको देखने के बाद जिस तरीके से आपके अंदर की एक अलग सी भावना उत्पन्न होगी वो आप वीडियोज़ में देखिएगा। लेकिन मैं ये बता दूँ कि एक खबर जो है इंदौर बाईपास पर आज सुबह एक दृश्य देखने को मिला जहाँ से कि महाराष्ट्र से राजस्थान की यात्रा पर एक परिवार निकला था, वो भी अपने बैलगाड़ी के साथ, और बैलगाड़ी में दो बैल होते हैं और एक बैल का जो है रास्ते में ही निधन हो गया, जिसके बाद से अपने बैल को और अपने बैलगाड़ी को एक महिला बैल का सहारा दे रही है, अपने बच्चों को बैठाकर खींच रही है। और किस तरीके से ये महिला खींच रही है, आइए देखते हैं वीडियो। और अगर आप इस पर कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।